गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अब देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड आई थिंक उसकी मशीनरी हो गई थी, है ना, मशीनरी फॉर रिड्रेसल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वो करा दिया था। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है छोटा सा प्रोसीजर, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अथॉरिटीज़। अब यहाँ पर अथॉरिटीज़ कौन हैं? कॉन्सिलेशन बोर्ड, कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स जो हमने पढ़ा था, है ना, लेबर ट्रिब्यूनल, तो उनके क्या पावर्स हैं, वो मतलब किस तरह से इंक्वायरी कर सकते हैं, उसकी बात हो रही है कि क्या प्रोसीजर है, क्या उनकी पावर है और क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं। तो जो भी कॉन्सिलेशन बोर्ड हैं या जितने भी ट्रिब्यूनल हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, उनके राइट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला राइट ऑफ एंट्री कि किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई केस इनको मिलता है समझौता अधिकारी या बोर्ड, है ना, कॉन्सिलेशन ऑफिसर या बोर्ड को, तो कोई भी पर्सन, कोई भी ऑफिसर जो उसके लिए अपॉइंट हुआ है, उनको पूरा राइट है कि वहाँ पर वो एंट्री कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सेकेंड है राइट ऑफ सिविल कोर्ट कि सिविल कोर्ट के भी पूरे राइट्स इनको मिल जाते हैं कि डिस्प्यूट से रिलेटेड जितने भी वस्तु हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनकी प्रस्तुति पाने का अधिकार इनको हो जाता है। और अगर कोई विटनेस है डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो उसकी भी जांच करने का अधिकार इनको होता है, है ना, और अन्य मामलों में भी इनको कार्यवाही करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि ये जब चाहें डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं और जो भी इंडस्ट्री है या इंस्टीट्यूशन है उनको फोर्स कर सकते हैं कि उनके सामने डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी पर्सन को भी बुलाना है तो उनको भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ असेसर्स कि जो भी लेबर ट्रिब्यूनल है या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल है उनके सामने जो भी मामले आते हैं, तो अगर वो अपनी असिस्टेंट के लिए कोई असेसर रखना चाहते हैं जो उनको हेल्प कर सकें, तो वो उनको रख सकते हैं। एंड पब्लिक सर्वेंट कि जितने भी ऑफिसर्स हैं या जो लेबर ट्रिब्यूनल हैं, है ना, या जो भी ट्रिब्यूनल हैं जो डिसीज़न लेने के लिए, मतलब जिनको दिया गया है राइट, तो उनको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है और उनको पब्लिक सर्वेंट के ही सारे राइट्स इनको मिलते हैं। ज्यूडिकल प्रोसीडिंग कि इन जो भी ये डिसीज़न लेते हैं उसको हम ज्यूडिकल प्रोसीडिंग के तहत लेते हैं और इन्होंने जो भी डिसीज़न लिया उसको फिर फॉलो करना पड़ेगा, दोनों पार्टीज़ को ही फॉलो करना पड़ेगा। एंड रिकॉग्निशन एज सिविल कोर्ट कि इनको जो रिकॉग्निशन मिलती है वो सिविल कोर्ट की तरह मिलती है और जैसे बताया कि इनकी कार्यवाही को आवश्यक समझा जाएगा और दोनों पार्टीज़ उसको फॉलो करेंगे, है ना। और अगर ये चाहें तो जो डिसीज़न ले चुकी है कंपनी उनको ये वापस भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया राइट रिगार्डिंग डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ वर्कर, इनको पूरा राइट है कि अगर कंपनी से किसी वर्कर को निकाल दिया गया है तो उस ऑर्डर को कैंसिल कर दें, उनको दोबारा काम पर लगाने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दें, तो उन्हें पुनः काम पर नियुक्त करने संबंधी अधिकार भी इनको हैं, या किसी और तरीके से इनको पैनलाइज करना है जो भी डिफॉल्टिंग पार्टी है, चाहे वो वर्कर है चाहे वो एम्प्लॉयर है, तो किसी और तरीके से भी उनको पनिश कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इनके राइट्स, है ना। अब देखो ड्यूटीज़ क्या हैं, कॉन्सिलेशन ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहला उसकी ड्यूटी है कि वो पहले पूरी जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद ही अपना काम शुरू करेगा, मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको वो चेक करेगा, उन पर विचार विमर्श करेगा, फिर शांतिपूर्वक उसको सुलझाने की कोशिश करेगा, है ना। और क्या ड्यूटी है कि रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा जिसने भी उनको अपॉइंट किया है। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो वो रिपोर्ट किसको देगा? सरकार को देगा। और अगर उसने पूरे एफर्ट कर लिए लेकिन वो समझौता कराने में सफल नहीं हो पा रहा तो इसकी भी रिपोर्ट वो सरकार को देगा और रीजंस भी बताएगा डिटेल में कि ऐसा क्यों हुआ कि उसने सॉर्ट आउट नहीं किया, है ना। और रिपोर्ट कितने टाइम के अंदर देनी होती है? 14 डेज़ के अंदर अंदर, है ना, 14 दिन के अंदर इनको रिपोर्ट देनी होती है। और अगर समझौता करवा दिया तो लिखित सहमति, नहीं कराया तो उसके क्या रीजंस हैं वो बता दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए ड्यूटीज़ ऑफ बोर्ड कि जो बोर्ड है उसकी ड्यूटी क्या है कॉन्सिलेशन बोर्ड की, ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर की थी। तो सबसे पहला यही कि जो कॉन्सिलेशन बोर्ड है उसको जो भी मामला सौंपा गया है उसकी वो पूरी जांच करेगा, सेम उसी तरीके से ही है, पूरी जांच करेगा और सुलझाने के लिए कोशिश करेगा। अगर समझौता हो जाता है तो भी सरकार को रिपोर्ट भेजेगा 14 डेज़ के अंदर, और अगर नहीं होता है तो भी रिपोर्ट भेजेगा और उसके कारण बताएगा, है ना। और रिपोर्ट जो है वो 2 महीने के अंदर ही उसको सरकार को भेजनी होती है, मैक्सिमम टाइम कितना है 2 मंथ्स का, है ना, तो ये 2 मंथ्स के अंदर अंदर इनको रिपोर्ट भेजनी होती है। आप देखिए कोर्ट की क्या ड्यूटी है, कोर्ट में कौन कौन से आते हैं, लेबर ट्रिब्यूनल, है ना, लेबर कोर्ट हो गया, और इसी तरह से जो अदर ट्रिब्यूनल हैं जो इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी अपनी जो रिपोर्ट है वो विद इन स्पेसिफाइड पीरियड इनको सरकार को भेजनी होती है।
आप देखिए ड्यूटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल, उनकी क्या ड्यूटी है, सेम वही कि ये भी पूरी जांच करेंगे और जांच करके उसकी रिपोर्ट किसको देंगे, सरकार को देंगे। नेक्स्ट देखिए फॉर्म ऑफ रिपोर्ट और अवार्ड, कि ऑब्वियसली जो रिपोर्ट होगी वो ऑरल नहीं होगी, वो हमेशा रिटन होती है ना। और अगर कोई मेंबर, क्योंकि सभी मेंबर्स के इस पे साइन होते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, अगर किसी मेंबर की इस पे असहमति है, मतलब उनको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो वो उसको मेंशन कर सकता है कमेंट सेक्शन में, है ना, वो कमेंट्स में अपने दे सकता है। और जैसे बताया कि ये रिटन में होनी चाहिए इनकी रिपोर्ट, और रिटन के ऊपर जो चेयरपर्सन हैं उसके भी साइन होने चाहिए, और इसके साथ साथ जो मेंबर्स हैं उसके भी साइन होने चाहिए। नेक्स्ट आता है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट, कि ये जो रिपोर्ट है जो उन्होंने प्रेजेंट की है सरकार के सामने, इसको पब्लिकेशन भी इसका कराना होता है, और ये टाइम होता है 30 डेज़ के अंदर अंदर। 30 डेज़ के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट है वो इसको पब्लिश कराती है, और पब्लिश कराने के बाद फिर ये रिपोर्ट फाइनल मानी जाती है। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, और इसके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। नेक्स्ट देखिए पार्टीज़ ऑन होम सेटलमेंट आर बाइंडिंग, कि जो भी डिसीज़न हुआ है उस डिसीज़न को मानने के लिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों ही बाध्य होते हैं, दोनों पक्षकार ही जो भी डिसीज़न हुआ है उसको मानने के लिए उनको मानना पड़ता है, वो बाध्य होते हैं उसको मानने के लिए। और अगर कोई डिसीज़न लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल दिया गया है तो उसको मानने के लिए भी वो बाध्य होते हैं सभी पार्टीज़, है ना। और अगर सपोज़ एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयर की डेथ हो गई है, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उस डिसीज़न को मानने के लिए बाध्य होता है। उसके बाद देखिए छोटे से टॉपिक हैं स्ट्राइक एंड लॉकआउट, जो पहले भी आ चुका है। जैसे पहले बताया था स्ट्राइक क्या होता है, कि जब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ग्रुप में ही काम करने से मना कर देते हैं, है ना, अपना ट्रेड यूनियन के द्वारा या ग्रुप में मना कर देते हैं, कि वो कुछ उनके डिमांड्स होती हैं, वो डिमांड्स पूरी होने के बाद ही वो काम करने के लिए तैयार होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक। और लॉकआउट क्या होता है, कि जब जो एम्प्लॉयर है ना, वो अपनी मांगे, जैसे एम्प्लॉयज़ मांगे मनवाने के लिए स्ट्राइक करते हैं, तो एम्प्लॉयर भी अपनी बात को रखने के लिए लॉकआउट कर देता है, है ना। तो ये जो स्ट्राइक हैं, ये जो लॉकआउट हैं, इसके ऊपर कुछ प्रोहिबिशन है, ये है देखो मेन टॉपिक, प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक एंड लॉकआउट, कि कुछ जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कंपनीज़ हैं उसमें जो स्ट्राइक या लॉकआउट होते हैं वो ऐसे इजीली नहीं कर सकते जैसे बाकी कंपनीज़ में कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं। जैसे देखो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में कौन कौन सी आती हैं, जैसे रेलवे सर्विस है या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, है ना, सेफ्टी सिक्योरिटी की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या पोस्टेज है, टेलीग्राफ है ना, इस तरह की जो सर्विसेज हैं, ये वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये हमारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आता है। तो इसमें जो इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इतना इजीली मतलब स्ट्राइक पर नहीं जा सकते, या लॉकआउट नहीं किया जा सकता। इनको स्ट्राइक करने से पहले 6 वीक बिफोर एम्प्लॉयर को इंफॉर्मेशन देनी होती है ना। और अगर इस इंफॉर्मेशन को दिए हुए जब तक 14 डेज़ ना हो जाए तब तक ये स्ट्राइक पर नहीं आ सकते, या तब तक स्ट्राइक पर नहीं जा सकते जबकि इसकी डेट ख़त्म ना हो गई हो, है ना। या अगर कोई मामला समझौता अधिकारी के पास है, कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास है, तो भी ये स्ट्राइक पर नहीं जा सकते, दे हैव टू वेट। ऐसे ही लॉकआउट में है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको एम्प्लॉयर को 6 महीने पहले, मतलब एम्प्लॉयर देगा एम्प्लॉय को लॉकआउट की सूचना, कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 6 महीने पहले इसकी इंफॉर्मेशन देगा, और इस सूचना को दिए 14 दिन की अवधि जब तक ना हो गई हो तब तक वो लॉकआउट नहीं कर सकता, या जो उपरोक्त सूचना में जो हड़ताल की तिथि है वो ख़त्म ना हो गई हो तब तक नहीं कर सकता, या अगर जो मामला है वो समझौता अधिकारी के पास है तो भी लॉकआउट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन अदर इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं उसके अलावा जो अदर इंस्टीट्यूशन है उसमें भी प्रोहिबिशन कुछ समय तक है। सबसे पहला कि अगर कोई मामला समझौता अधिकारी के पास है ना, तो कार्यवाही की समाप्ति को 7 दिन ना हो गए हों तब तक नहीं कर सकता, या उनके सामने है, मतलब जो लेबर ट्रिब्यूनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है उनके सामने केस है और 2 महीने ना हो गए हों केस को, मतलब सॉल्यूशन उसका नहीं हुआ तो जा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर 2 महीने नहीं हुए तो दे हैव टू वेट। या अभी कोई डिसीज़न होना है ना, तो भी नहीं कर सकते, या कोई पंच निर्णय उसकी कार्यवाही को भी 2 महीने नहीं हुए हैं, है ना, तो भी जो है वो लॉकआउट नहीं कर सकते।
आप देखिए, इलीगल स्ट्राइक या इलीगल लॉकआउट किसको कहा जाएगा, किसको इलीगल माना जाएगा? अगर ये स्ट्राइक या लॉकआउट सेक्शन 22 या 23, ये जो ऊपर बताया, के प्रावधानों का उल्लंघन करके की जाती है, जैसे मान लो आपका केस समझौता अधिकारी के पास है, कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास है, और फिर भी स्ट्राइक पर चले जाते हैं एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयर तालाबंदी कर देते हैं, तो ये अवैध माने जाएंगे। अगर ये जो स्ट्राइक या लॉकआउट है वो सेक्शन 10(3), 10(4) ए के जो प्रोविजंस है उसका उल्लंघन करके दी जाती है, जैसे देखो 10(3) इन्होंने दिया हुआ है, क्या प्रोविज़न है कि यदि कोई विवाद श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट, लेबर ट्रिब्यूनल में या नेशनल ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया है तो फिर आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्रोहिबिशन है इसके ऊपर, मतलब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अलावा भी, या कोई जो डिस्प्यूट है वो पंच निर्णय हेतु सौंप दिया गया है पंचायत को, तो भी आप स्ट्राइक या लॉकआउट पे नहीं जा सकते। अगर कोई स्ट्राइक इन नियमों का उल्लंघन करने के कारण अवैध मानी गई है और इसके बाद तालाबंदी कर दी जाती है, मतलब आपने मतलब स्ट्राइक हो रखी है, स्ट्राइक इलीगल है, और उसके बाद एम्प्लॉयर को गुस्सा आया और एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया, लॉकआउट कर दिया, तो वो वैध मानी जाएगी, वो अवैध नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही अगर कोई स्ट्राइक या लॉकआउट जो किया गया है वो किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण शुरू हो गया और वो इलीगल है, है ना, और इसको गुस्से में आकर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक कर देते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉयर ने की थी, अगर एम्प्लॉयज़ कर देते हैं तो भी जो है अभी अवैध नहीं मानी जाएगी। तो आई थिंक ये दोनों लास्ट पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि जैसे सपोज़ इलीगल कोई स्ट्राइक कर दी एम्प्लॉयज़ ने, है ना, तो फिर उसके उसको उसके असर से उसके गुस्से में आकर एम्प्लॉयर ने अगर लॉकआउट कर दिया तो भी वो अवैध नहीं माना जाएगा, और अगर एम्प्लॉयर ने तालाबंदी कर दी और फिर एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी तो भी ये अवैध नहीं मानी जाएगी, अदरवाइज़ ही अवैध मानी जाएगी। और एक लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि अगर कोई पर्सन किसी को उकसाता है स्ट्राइक करने के लिए या लॉकआउट करने के लिए और वो पकड़ा जाता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, 6 महीने की जेल या 1,000 रुपये फाइन या दोनों भी हो सकते हैं, है ना। तो ये कुछ प्रोविजंस थे कि क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं कंसिलेशन ऑफिसर्स की या बोर्ड्स की, या जो स्ट्राइक है वो कब इलीगल हो सकती है, स्ट्राइक और लॉकआउट, है ना, कब लीगल होगी कब इलीगल होगी, तो इसमें ये बताया था। अब आपका ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया है और इसके साथ ही आपका बीकॉम पास कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ओनर्स का भी रहता है, ओनर्स का भी आगे चलेगा।